स्पाई ड्रामास पसंद है तो मुखबिर का इंतजार जरूर कीजिए। Z5 पर जल्द ही ये कंटेंट मौजूद है और इस पे आपको दिखेंगे ऑफ कोर्स आदिल हुसैन, बरखा बिष्ट और प्रकाश राज जैसे धुरंधर एक्टर्स। तो चलिए इनके साथ हो जाए गर्मा गर्म चाय पे चर्चा। चाय पर चर्चा है झूठी मूवी, चाय पर चर्चा है झूठी मूवी। सबसे बड़ा मस्ती खोर कौन दिख रहा हूँ? मैं नहीं हूँ। आपके लिए हम 4 करोड़ इनाम देने वाले। सवाल ये है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है? मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ बरखा बिष्ट और मैं हूँ यहाँ पर विद द स्टार कास्ट, द ब्रिलियंट स्टार कास्ट ऑफ मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई। और मेरे साथ हैं चाय पर चर्चा है झूठी मूवी, मेरे साथ हैं द एवर चार्मिंग प्रकाश राज जी एंड ऑफ कोर्स आदिल हुसैन जी, एंड हम कर रहे हैं चाय पर चर्चा। और ये चर्चा क्या है, वी आर जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। बेसिकली बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर जो हम एक एक कर उठाने वाले हैं, जिसकी किस्मत में जो आए। एंड और तो आपने पहले से मार्क करके रखे हैं वो थोड़ी चीटिंग चलती है बट और फिर चर्चा होगी इन सवालों पर। सो लेट्स सी, Should we start with you, Prakash? आपके लिए हम 4 करोड़ इनाम देने वाले। सवाल ये है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है? बहुत हंसाता हूँ, द ह्यूमर। वो हिडन कहाँ है, वो तो मतलब पूरी दुनिया देख चुकी है ऑलरेडी। मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ। Okay, that's an interesting one. ये चोर है। बहुत कुछ कर चुका हूँ। इनकम टैक्स सुन रहे हैं तो उनको पता हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सारी दुनिया में घर है मुझे, पूरा पैसा वहाँ रखता हूँ मैं, स्विस बैंक में रखता हूँ, अकाउंट्स में रखा हूँ। हाँ। काफी चर्चित कॉन्वर्सेशन है ये, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपका फेवरेट स्पाई? ओ माय गॉड, माय फेवरेट स्पाई जिसके ऊपर आधारित ये किरदार जो मैं कर रहा हूँ, शायद उनके ऊपर आधारित मतलब इंस्पायर्ड है, नाम मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि वो इतना खुफिया है, मुखबिर है, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। वो इंडिया से हैं और हमारे भारतवर्ष के काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि अभी भी हम जो सेफ है और साउंड है उनके वजह से हैं। उनका नाम का एक हिस्सा शायद नहीं, वो भी नहीं बोल पाऊंगा। सेट का मुखबिर कौन? स्पाई ऑन एवरीबॉडी, कौन क्या खाता है? इतना अच्छा टैलेंट कहाँ से है इन लोगों के, इन दोनों का कहाँ से ले आते हैं? उनका टिफिन में है क्या, खाने में है क्या, उनका ड्रेस में है क्या? आई एम द स्पाई। उनको सब खबर रहती है क्लियरली, है ना? ओके, नेक्स्ट। एक दूसरे से क्या सीखा? बहुत सीखा मैंने आदिल साहब जैसे एक्टर से, सॉर्ट ऑफ ग्रेविटास ही ब्रिंग्स डाउन। एंड जब वॉक करे तो मेरा बीवी बोल रही थी बहुत अच्छा एक्टर है, तो बी केयरफुल बिकॉज शी लव्स हिज वर्क। मैं अच्छा एक्टर हूँ, तेरा हस्बैंड नहीं? नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है। एंड आई लाइक हिज ट्रैवल, आई लाइक हिज जर्नी, एंड ही कम्स फ्रॉम असम, देयर सो मच ऑफ असमियत इन हिम, हिज लव फॉर द पर्सन हु मेक क्रीज देयर। एंड परसों जब फोन किया था तो ही वाज़ आई एम स्टेइंग देयर,
and I'm in my home. I was on Zoom call, so I learned a lot from him, the way he voices things. क्या आपने मुखबिरी की है? बहुत बहुत, खास करके मेरे दोस्तों के जो बचपन में दोस्तों के जो मतलब जो प्यार में थे, वो कहाँ जाती थी कहाँ आती थी। और वैसे भी मैंने एक सीरीज भी किया है कॉल जासूस विजय, जिसमें मैंने मुखबिरी की है बहुत सारा। मुखबिरी नहीं है, हरकतें नहीं, मुखबिरी है, मतलब उसको उसको थोड़ा सा एलिवेट कर रहे हैं हम उस लेवल पर। समर, हाँ, जस्ट लाइक नॉनसेंस। हाँ, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, नहीं नहीं किया, लेकिन शायद अगले जिंदगी में। भुक्कड़ कौन? तो सारे इजी वाले, भुक्कड़ कौन ऑन द सेट? जैन, जैन खान दुरानी। हाँ, ये जो हमारे मुखबिर हैं, वो अभी नहीं बोल सकता इसीलिए दिखा रहे हैं। वो अभी नहीं बोल सकता, यहाँ नहीं है वो, इसीलिए दिखा रहे हैं। जैन खान थोरानी क्लियरली, आई मीन देयर हैंड्स डाउन ही इज द विनर, वो ही है। बट यस, इन हिज डिफेंस आई विल आल्सो से, जब हम शूट कर रहे थे, उनके रमादान चल रहे थे, तो एक्चुअली बेचारे पूरा दिन नहीं खाते थे, पर जब वो खाते थे सो आई थिंक, बट या दैट वुड बी जैन। आपका तकिया कलाम क्या है? वो तो तकिया कलाम, घड़ी 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 में पैकअप बोलते रहता हूँ, आते ही बोलता हूँ पैकअप, तो मेकअप, सॉरी पैकअप। लाइफ 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 लाइफ, आई लव लाइफ एंड आई वांट टू लिव लाइफ। सिनेमा एक्टिंग से भी 5% है, बाकी पूरा जिंदगी है। आई ऑलवेज से लिव, बी अलाइव एंड बी अवेयर, कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहो। सबसे बड़ा मस्ती खोर कौन? दिख रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। जासूसी मुखबिरी की है मालूम है। लाइफ तो बहुत सीरियस नहीं लेना यार, हंसना चाहिए, बिकॉज़ रुलाना, रुलाने वाले बहुत लोग है ना आजू बाजू, जिंदगी भी रुलाते रहता है, तो कीप लाफिंग, मस्ती करते रहो, एक ही जिंदगी है, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। ऐसे सीरियस मत लगो कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो यार, नहीं यार, लाइफ इज ब्यूटीफुल यार, मस्ती करते रहो, प्रैंक करते रहो, हंसने की वजह ढूंढते रहो, बहाना ढूंढते रहो। प्रॉब्लम ये था कि शुरू का जो हमारे शूट था ना, तब हम उनको जान ही नहीं पाए थे ठीक से, तो कभी कभी आके पीछे से कुछ भी कर देते थे, वो कुछ चीज़ें हैं जो बता नहीं पाएंगे हम। ऐसे काम नहीं किया आपने लेकिन हाँ, मैंने ऐसे ट्राई करा था कि उनको थोड़ा डाइवर्ट करूं तो मेरा एक्टिंग अच्छा लगे, थोड़ा डिस्टर्ब करूं। अरे छोटा एक्टर हूं यार, अभी सीख रहा हूं एक्टिंग, तो उतना तो करना पड़ता है यार। सबसे ज्यादा कौन फोन पर? कौन या आई कांट ब्लेम इट एनीबडी एल्स। हाँ, फोन पर मतलब सवाल जवाब, मैनेजर से बात करना, उसी किस्म के बकवास चीज़ें, लेकिन शायद मैं ही, शायद बहुत कमिटेड एक्टर हूँ मैं तो मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ोन पर मेरा बीवी रहती है। क्या हो गया ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है इसका फ़ोन? तो मैं भी एक्चुअली काफ़ी फ़ोन पर रहती हूँ। फोन में रहते हैं आप? फोन पर रहती हूँ, बट कमिटेड अगेन, एक बेटी है जिसके 100 सवाल होते हैं एक दिन में, और मम्मी के बगैर कुछ काम नहीं होता है उसका लाइफ में, सो दैट इज व्हाई मैं फोन पर रहती हूँ। ABP News, आपको रखे आगे।